तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रो टिप्स, ठीक है गाइस, सेटिंग जिससे आप प्रो जैसा खेल सकते हो गाइस, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप फ़ोन में आना, ठीक है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो आप सेटिंग्स में पहले ग्राफिक्स, ठीक है गाइस। अपन पहले ग्राफिक बात करने वाले हैं। आपके पास अगर 4 से 5 GB रैम है तो आप अल्ट्रा में खेल सकते हो, बट मैं तो मना करूँगा किसी भी प्लेयर को अल्ट्रा में खेलने से, बट आप इंजॉय के लिए अल्ट्रा भी खेल सकते हो गाइस। बस मैं तो स्टैंडर्ड या फिर स्मूथ, तो जिसके पास 1 से 2 GB का रैम है वो स्मूथ पे खेलो गाइस। जिसके पास बहुत ज़्यादा मतलब कि शौकीन है ग्राफिक्स के तो अल्ट्रा पे खेल सकते हो गाइस, ठीक है। तो देख के खेलना, लाइक मारेगा गेम। अगर 6 GB रैम नहीं है तो स्टैंडर्ड भी बढ़िया है गाइस, लेकिन अगर स्टैंडर्ड खेलना ही है तो गाइस उससे अच्छा तो स्मूथ खेल लो। मैं तो कहूँगा स्टैंडर्ड से अच्छा स्मूथ खेल लो गाइस आप, क्योंकि स्मूथ में एक फ़ायदा होगा गाइस कि आप अच्छा मतलब कि दिखेगा नहीं बट उसमें भी अच्छा ही दिखता है। मेरे को तो मैंने खेला गाइस, बहुत मज़ा आता है स्टैंडर्ड में भी, बट वो गन का स्किन कुछ कुछ कम बहुत कम दिखता है गाइस, यही बात होता है। तो जिसके पास कम GB का रैम है मतलब कि वो ले सके, स्मूथ पे खेल सकता है गाइस, ठीक है। और भी कुछ नहीं, बस इतना ही है। बस आप ग्राफिक में अपने आप से सेटअप कर सकते हो। और बच्चा गाइस नॉइज स्क्रीन, अगर आप ध्यान नॉइज स्क्रीन मतलब कि जिसके पास नॉइज वही ध्यान देना इस नॉइज स्क्रीन पे गाइस। और सबसे मेन टॉपिक होता है कि बहुत जो मतलब कि नए बंदे होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं मैप में गाइस, ठीक है। ये रूटिंग मैप है, ठीक है गाइस, तब इस पर ध्यान देना। एक है मतलब कि जो गाइस मैप घूमता है, ठीक है, एक है जिसमें आप घूमते हो, ठीक है। ये दोनों पर आप ध्यान देना, ठीक है गाइस। एक में मैप घूमता है, एक में आप घूमते हो, बात ये पड़ता है गाइस। तो एक रोटेटिंग वाला होता है जिसमें आप घूमते हो गाइस, ठीक नहीं, रोटेटिंग वाला में मैप घूमता है और नॉट रोटेटिंग वाले में आप घूमते हो गाइस, ठीक है। तो आज अपन आते हैं जर्नल पे गाइस, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे बढ़िया होता है जर्नल .2x4x AWM, ठीक है गाइस, ये चारों होता है। इसमें आपको ऊपर सर्किट, अगर जनरल में आप गाइस 82 तो बहुत होता है गाइस, ठीक है, घूमने के लिए, शॉटगन यूजर्स के लिए भी, MP40 यूजर्स के लिए, घूम घूम के मारने के लिए गाइस, ठीक है। और डिफॉल्ट जो खेलता है उसके लिए तो जनरल 82 होना ही चाहिए, और रेड डॉट जो है गाइस उसको तो 62 अच्छा ही है, क्योंकि इधर उधर करने में बहुत काम आता है गाइस, ठीक है। और 2x4x रेड डॉट वो होता है गाइस जो स्कोप चालू करने में, ठीक है, याद रखना, जनरल वो जो डॉट दिखाता है वो, और स्कोप चालू करे वो रेड डॉट हो गया, ठीक है गाइस। तो ये सब आप सेटिंग देख सकते हो, ठीक है, तो अपने मुताबिक भी कर सकते हो, नहीं तो आप मेरा भी कर सकते हो गाइस, ठीक है। क्योंकि 82 पे घूमने में बहुत आसानी होता है गाइस, भागने में आसानी होता है, मैं तो जो खेलता हूँ वो बताता हूँ, ठीक है। तो अपन आते हैं कंट्रोल के ऊपर गाइस, कंट्रोल में डिफॉल्ट में, ठीक है गाइस, डिफॉल्ट है, प्रेसाइज है, फुल कंट्रोल। प्रेसाइज और फुल कंट्रोल एक ही चीज़ है गाइस, ठीक है, आप जैसे मानो या ना मानो, प्रेसाइज और फुल कंट्रोल एक ही चीज़ है। आपको स्कोप ले आना पड़ता है बंदे पे, तब एम होगा गाइस, ठीक है, फुल कंट्रोल। प्रेसाइज का भी वही है लमसम में, कि बंदे के पास ले जाओ तभी जाके वो प्रेसाइज में जाके फुल ये होगा, एम होगा। डिफॉल्ट का ये फायदा है गाइस, अगर आप जूम इन जूम आउट करोगे गाइस, ठीक है, डिफॉल्ट में अगर जूमिंग जूम आउट करेगा तो बंदे पे एम हो जाएगा, ठीक है गाइस, जूमिंग जूम आउट करते ही बंदे पे एम हो जाएगा, बट फुल कंट्रोल का ये रूल नहीं है। बंदे पे जाके एम करोगे गाइस तभी एम होगा, ठीक है गाइस, बात इतना ही है। अब डिफॉल्ट का एक घाटा भी है गाइस, चेस्ट पे होता है, चेस्ट के नीचे बहुत ज़्यादा एम होता है, इतना याद रखना, ठीक है गाइस। अब आते हैं लेफ्ट फायर बटन पे गाइस, इसके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है गाइस। और ठीक है गाइस, और उसके बाद अपन आते हैं यहाँ पर लेफ्ट फायर बटन, तो बता दिया गाइस, इस मतलब कि एक और बटन मिल जाता है आपको फायर करने के लिए, मैंने देखा होगा, मैं फुल अपना कस्टम दिखाऊंगा तो उसमें देख सकते हो गाइस। और ये सब अपने मन से रख सकते हो, क्यू क्यू रॉड स्पेम AWM कैसे रखना है गाइस, ठीक है। और फिर व्हीकल कंट्रोल्स कैसे रखना है आपको, सेफ जोन हिट सबसे मस्ट टॉपिक ये गाइस, सेफ जोन हिट, ठीक है गाइस, मैं आपको बताता हूँ सेफ जोन हिट। तो आप अगर डिफॉल्ट पे रखोगे गाइस इसको, तो ये देखो गाइस, ये देखो डिफॉल्ट पे रखोगे तो आपके डिस्प्ले पे ये इतना बड़ा सा आ जाता है, मैं दिखाता हूँ ड्रॉ करके कितना बड़ा में आता है, ये देखो सिंपलीफाइड में आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। तो अगर आप डिफॉल्ट में रखोगे गाइस तो ये आपके स्क्रीन पे ये इतना बड़ा आ जाता है, सेफ जोन वार्निंग हिंट्स लिख के गाइस, ठीक है, अगर आप डिफॉल्ट में रखोगे। आज इसको सिंपलीफाइड कर दोगे गाइस तो बस ऊपर में इतना ही आपको, बस ये टाइमिंग बताएगा सेफ जोन आने का, ठीक है गाइस, तो यही फायदा होता है सिंपलीफाइड करने में, उसी करके रखो गाइस, क्योंकि सामने रहता है तो मारने में दिक्कत होता है। और फिर ऑटो पैराशूट ये सब तो आप अपने मर्जी से रख सकते हो गाइस, ये क्लासिक डार्क नो बर्ड आप मर्जी से रख सकते हो गाइस, जो आपको पसंद है, ठीक है। तो गाइस जब आप आते हैं अपने ऑटो पिकअप के साइड, इसको छोड़ो गाइस, अपना ये दिखा देता हूँ पहले, ये देख लो गाइस मेरा, आप चाहो तो देख सकते हो सेटिंग्स, ठीक है गाइस। तो मेरा सेटिंग्स है, अगर आपको पसंद आए तो आप भी रख सकते हो, बट दूसरे का सेटिंग रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा गाइस। आते ऑटो पिकअप के पास, तो आप जानते हो नया सिस्टम गाइस, तो गाइस मैं तो सबको बोलूँगा सबको ऑफ रखो गाइस, ठीक है,
और ये अटैचमेंट को ओपन चालू रखो। क्यों? क्योंकि आप अगर अचानक से मतलब आपके दोस्त लोग स्क्वाड में खेल रहे हो तो सब लुटेरे आते हैं मेरे दोस्त की तरह, जल्दी जल्दी लूटते हैं गाइस। आपको ग्रेनेड वेनेट कुछ नहीं चाहिए, ग्रेनेड की जगह पे तो आप वो ये उठा लेता है गाइस, क्या नाम है उसका, लैंडमाइन उठा लेता है। तो इसलिए खाली अटैचमेंट रखो गाइस, क्योंकि आपके पास मैगजीन वैगजीन नहीं होता तो आपके दोस्त को उठा लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो गाइस ये रखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, जल्दी जल्दी उठाता है गाइस, मज़ा आता है, अटैचमेंट ही ओनली। ठीक है गाइस, तो अब मैं तो बोलूँगा अटैचमेंट को खाली ऑन रखो, बाकी सबको ऑफ कर दो गाइस। मेरा यही रिकमेंडेड रहेगा कि अटैचमेंट चालू रखो गाइस। और फिर आते गाइस साउंड पे, तो म्यूज़िक को जीरो रख कर दो क्योंकि म्यूजिक मेरे को पसंद नहीं है। साउंड इफेक्ट 100 रहने दो और वॉइस इफेक्ट भी 100 रहने दो। ठीक है गाइस, म्यूज़िक रहेगा तो कान पका देता है गाइस, इसलिए अपने अपने टिबेट्स से आवाज़ सुन सकते हो और गेम का भी मज़ा ले सकते हो। ठीक है गाइस, बंदे दौड़ते हैं उसका भी मज़ा ले सकते हो आराम से। और ये रहा गाइस अदर, इसमें आप डायमंड रॉयल वाउचर अगर लेते हो तो गाइस ऑन कर दो, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि आ चुका है। और सेकेंड है रॉयल वाउचर वाला, तो मैं ऑन रखता हूँ क्योंकि वो डेली मेरे को बता देता है ऊपर। ठीक है गाइस, कि आपका डायमंड रॉयल फ्री गोल्ड रॉयल स्टार्ट हो चुका है। और ये गाइस जब आपका नेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब हो, आपका नेटवर्क सही हो कि भी, तो वहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो वहाँ पर आपका रिपोर्ट सुना जाएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।